अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन सिद्दीकी है। मेरा नाम है तलहा जावेद। आज हम बात करेंगे स्पेन में डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। जी तलहा भाई, अगर आप यूरोप के डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं तो कौन सी मतलब कंट्रीज बेहतर हैं? जी, इनमें देखा जाए तो स्पेन और पुर्तगाल और इटली को हम सर फ्रिस्ट रखते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ऐलान किया है कि हम जो है वो सभी को डॉक्यूमेंट्स देंगे, चाहे वो यूक्रेनियन परमानेंट रेजिडेंट हों या वहाँ के जो है वो स्टूडेंट्स हों या वर्कर हों। अच्छा, आप जो स्टूडेंट यूक्रेन से आए हैं तो उनको क्या सजेशन देंगे कि मतलब वो जर्मनी में तो माशाल्लाह पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इसी तरह दूसरी कंट्रीज़ में, तो आप स्पेन में क्यों आ गए, उसकी क्या रीज़न है? जी सर, असल में स्टूडेंट्स जो हैं उनको तो स्टडी का जो मेजर उनका जो था वो वहाँ से स्टडी थी ना, तो स्टडी के लिए देखा जाए तो आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स, आपकी लीगल एक वैल्यू होनी चाहिए एक कंट्री में, तो इसके लिए स्पेन जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट दे रहा है, तो ये बेस्ट डिसीजन होगा उनके लिए। अच्छा तलहा भाई, अगर आप यूरोप में आते हैं तो यूरोप में सबसे पहले आपको क्या काम करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए, ताकि आपको जो है जल्द से जल्द आपकी डॉक्यूमेंटेशन जहाँ पे हो, मतलब लीगल स्टेटसाइजेशन आपकी हो, मतलब पहले सबसे पहले लीगल हूँ। जी बिल्कुल, लीगल आपको। और दूसरा काम क्या करना चाहिए आपको? उसके बाद जो है आपके मामला वो जुबान है, आप स्टूडेंट लैंग्वेज वो लैंग्वेज है, और उसके बाद जो है वो आप अगर स्टूडेंट हो तो आप यूनिवर्सिटीज़ की सर्च करनी चाहिए, या फिर अगर आप वर्कर हैं तो आपने मामला देखने चाहिए वर्क के लिए आपको जगह जगह। वैसे तो बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो डॉक्यूमेंट्स दे रही हैं, तो आपने स्पेन को क्यों चूज़ किया? इसकी जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि जो है यहाँ के लोग जो जब मैं व्हेन आई जस्ट इंटर हेयर तो लोग मैंने देखा है कि बहुत गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल करते हैं, फ्रेंडली हैं, काफ़ी फ्रेंडली हैं यू कैन से। और उसके अलावा एक आपको अच्छी वेजेस भी मिल सकती है, यूनिवर्सिटीज़ अगर आप स्टडी एज अ स्टूडेंट देखा जाए तो काफ़ी अच्छी एक वेल रैंक यूनिवर्सिटी यहाँ पे। तो जी मोहसिन भाई, आपका यहाँ पे स्पेन आके स्टे करने का क्या मतलब? अच्छा, यहाँ पे बहुत सी रीज़न है। सबसे पहले तो ये है कि ये कंट्री डॉक्यूमेंट दे देता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, उसमें आपका स्टेटस वो लीगल है, इलीगल है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट वीज़ा है, या कह लें कि विजिटिंग वीज़ा है। वैसे तो हमारा तो जो स्टेटस है वो तो 100% लीगल था, और हमें डॉक्यूमेंट्स जो मिले हैं वो एक साल के मुझे तो मिल चुके हैं जी, लेकिन और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमें 2 साल के मिलेंगे, उसके बाद फिर 2 साल के मिलेंगे, उसके बाद फॉरएवर मिल जाएंगे, टैक्स भी ख़त्म हो जाएगा, तो हम फिर किसी भी कंट्री में मूव करके अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज कर सकते हैं जी। सर, मेरी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद फिंगर्स होते हैं, उसके बाद आपको तकरीबन 1 माह बाद कागजात मिल जाते हैं, तो फिर आप पाकिस्तान भी जा सकते हैं। तो बाकी तलहा भाई, आप बताएं स्पेन में आप क्या महसूस कर रहे हैं? मतलब बहुत से यूक्रेन से आए हैं, वो पूरे यूरोपीय यूनियन में मतलब फैले हुए हैं, ठीक है, कि हमें कहीं पे लीगल स्टेटस मिल जाए। तो वैसे तो यहाँ का जो स्टूडेंट है जो स्पेन में आ चुका है, तो वो खुश है या ना खुश है? जी, काफ़ी हद तक तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है जिन्होंने किया है कि स्पेन में रुका जाए, और जो मेरे हद तक है वो मैं काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ममालिक से होता हुआ हूँ, जर्मनी, पहले पोलैंड इंटर हुए, उसके बाद जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम, लाइक समथिंग, तो आई थिंक सो कि दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन टू स्टे हियर। जी मोहसिन भाई, जैसा कि आपको 1 साल के तो अभी डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं, तो नेक्स्ट आपका इसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि इसका प्रोसेसिंग क्या होगी? रोशनी तो वैसे काफ़ी है, दिन का टाइम है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मतलब 1 साल के जो मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं ना, तो अभी फिर मैं इंशाल्लाह यहाँ पे जॉब करूँगा, तो जॉब में इनका जो एक टैक्स होता है वो पे करूँगा, तो 6 मंथ का होता है तकरीबन 600 यूरोज, तो उसके बाद मुझे इजीली 2 ईयर का जो कह लें कि जो यहाँ की रेजिडेंसी कार्ड है वो मिल जाएगा। लाइक यू कैन विजिट अदर कंट्रीज। यस। तलहा भाई, यहाँ पे सुना है कि शादी करने के बाद भी आपको डॉक्यूमेंट्स जल्दी मिल जाते हैं, कोई 2 रीज़न बताएं कि आपको यहाँ पे अगर शादी करनी पड़ी तो आप करेंगे? अगर शादी करके डॉक्यूमेंट्स का, तो इसके ऊपर मैं राज़ी नहीं हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपका है कि आप ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहते हैं अपनी, आपका माइंडसेट होता है कि आप इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, इस चीज़ को मतलब भी एक अच्छा समझते हैं, एज अ इस्लामी माशरा जो भी हमारे मामलात हैं तो आप इनके साथ चल सकते हैं, पहला पॉइंट ये है। अगर आप नहीं चल सकते तो आई वॉन्ट टू से सॉरी, आप इन मामलात में ना डलें और अपने जो दूसरे मामलात हैं उधर देखा जाए। अच्छा, इंशाल्लाह हम इसी तरह लाइव आते रहेंगे, जैसे जैसे हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता जाएगा, तो आपके साथ हम ऑनलाइन मतलब कॉन्टैक्ट में। तलहा भाई, आपकी बात करना चाहते हैं?
जी बस यही कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो क्या आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट एंड केयर शेयर इनको दे रहे हो। अभी ये कहना चाहूँगा कि आज तकरीबन हमने सभी मामला शेयर कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह अभी हम जल्दी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ आएंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियोस को, और मिलेंगे फिर इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।